सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों शुरू किए ऑनलाइन स्टडी चैनल विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। प्यारे बच्चों, तैयार हो फिर पढ़ाई लई? चुक लईआं अपनिआं कापियां ते किताबां, करिए शुरू पढ़ाई। मैनूं उम्मीद है बच्चों, तुसीं कल कराए काम की दोहराई जरूर कीती होएगी। तुसीं सारा काम बड़ी मेहनत अते लगन नाल कर रहे होवोगे, तां अज बहुता समा ना लेंदे हुए शुरू करदे हां अज दी पढ़ाई। मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। बच्चों, एक गल ता दसो, तुहानू खान विच की पसंद है? मैडम जी, मैनू ता घर दी बनी हुई रोटी बहुत चंगी लगती है। मैडम जी, मैनू ता मिठाइयां बहुत चंगीआं लगदीआं ने। मैडम जी, मैनू ता बर्गर, पिज्जा, चिप्स बहुत ही पसंद ने। फुलां दा तो तुसी किसी ने ना ही नहीं लिया। अच्छा, बर्गर, पिज्जा, चिप्स किनू किनू पसंद ने? मैडम जी सानू, मैडम जी सानू, मैडम जी सानू। बच्चों, बर्गर, पिज्जा, चिप्स सेहत लई चंगे नहीं हुंदे। अज वी जन्नत ते मन्नत अपने पिता जी नाल सैर करन जा रहे सन, ते तुरते तुरते ओह फलां दे बाग विच पहुंच गए। जन्नत, ए देख, पीले पीले अंब। हाँ मन्नत, ए ता बहुत मिठे लग रहे ने, मेरे मुंह च ता पानी आ गया। जन्नत मन्नत, इधर देखो, लाल लाल गोल गोल सेब। दोवें भज के पिता जी कोल आ जांदे हन। अगे गए ता पता की देखिया? संतरियां दे लद्दे हुए दरख्त। दोवें देख के बहुत खुश हुए। पिता जी ने दसिया कि इन्हां संतरियां विच रस नाल भरियां हुईआं फाड़ियां ने, इन्हां तों जूस भी बनदा है। तुरदे तुरदे ओह केलियां दे बाग विच पहुंच गए, पर हरे रंग दे केले देख के दोवें बड़े हैरान हो गए। बई इह की? ता पिता जी ने समझाया कि बच्चे इह केले पक के पीले रंग दे हो जाणगे। ते अगे की देखते हन? अनार ही अनार, ओह भी लाल लाल वड्डे वड्डे। दोहां दी खुशी दा टिकाणा ना रहा। दूरों अंगूरां दे गुच्छियां नूं देख के जन्नत भज लैंदी है। दोवें भैण भरा अंगूर खांदे खांदे घर वल मुड़ रहे हुंदे हन। रस्ते विच ओह फलां बारे ही गल कर रहे हुंदे हन। रस्ते विच फलां वाला फल वेच रहा सी। वो गा रहा सी, ताजे ताजे रस परे मिठे मिठे फल। आज ही ले जाओ, नहीं मिलने जी कल। सेब, केला, अंब, अनार, संतरा, अंगूर, चा नाल खाओ ते सेहत बनाओ हजूर। प्यारे बच्चों, हुणे घर दे काम दी वारी। तुसी अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक विचों फलां दे नां याद करने हन। जमात पहली दे प्यारे बच्चों, विशा गणित। बच्चों, अज असी एक तो पांच तक अंकां नूं सोना सोना करके लिखना सिखांगे। आओ शुरू करदे हां। बिंदी तो तारे वल जाइए, सोने सोने अंक बनाइए। प्यारे बच्चों, तुसी भी मेरे नाल नाल बोलना अते लिखना है। आओ फिर शुरू करदे हां। ऐ देखो बच्चों, एक। हाँ जी, एक तो बाद केड़ा अंक लिखांगे? अंक दो। ता देखो फिर ध्यान नाल बच्चों, अंक दो लिखिया है। हाँ जी बच्चों, अंक दो तो बाद केड़ा अंक आउंदा है? अंक तीन। देखो बिंदी तो शुरू करके तारे नाल मिलाया, सोना सोना अंक बनाया। अंक तीन तो बाद अंक चार लिखिया। अंक पांच लिखन लई असी बिंदी तो शुरू करांगे अते तारे नाल मिलावांगे। हुन असी इन्ना डब्बियां दे विच एक तो पांच तक गिनती लिखांगे। लिखन वेले ध्यान रखना है कि कोई भी अंक इन्ना डब्बियां तो बाहर ना जावे। आओ शुरू करते हाँ। ता देखो इस डब्बे विच अंक एक लिखांगे। एक तो बाद इस डब्बे विच सोना सोना अंक
दो लिखांगे। जिस तरह उपर डब्बिया दे विच अंक लिखे हैं उस तरह ही तुसी भी साफ साफ अंक लिखने हैं। इस डब्बे विच अंक तीन लिखांगे, अगले डब्बे विच अंक चार लिखते हाँ। हुण इस डब्बे विच अंक पंज लिखांगे। अगे देखो उपर दित्ते समुद्री जीव गिनो अते खाने विच अंक लिखो। हाँ जी बच्चों देखो ये सारे समुद्री जीव हैं, तुसी इन्ना नू गिनना है अते जिन्नी इन्ना दी गिनती होवेगी उन्ना अंक तुसी खाने विच लिखना है। आओ गिनते हाँ, पहला इस समुद्री जीव नू गिनते हाँ। एक दो तीन, एहे तीन हन। हुन इस समुद्री जीव दे सामने वाले खाने विच अंक तीन लिखांगे। हुन इस समुद्री जीव नू गिनते हाँ। एक दो तीन, इन्ना दी गिनती भी तीन है। इस समुद्री जीव दे सामने वाले खाली खाने विच अंक तीन लिखते हाँ। आओ हुन गिनते हाँ कि एहे समुद्री जीव किन्ने हन। एक दो तीन चार पांच, एहे पांच हन। इस समुद्री जीव दे सामने खाली खाने विच अंक पांच लिखते हाँ। देखो इन्ना समुद्री जीवां विच एहे सब तो वड्डा जीव है अते एहे एक है। इस जीव दे सामने वाले खाली खाने विच अंक एक लिखांगे। एहे समुद्री जीव दो हन, तां बच्चो इस खाने विच अंक दो लिखते हाँ। प्यारे बच्चो हुण तुसी अपने घर अपनी किताब दे पन्ना नंबर 13, पन्ना नंबर 14 अते पन्ना नंबर 15 ते सोना सोना काम करना है। धन्नवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आई एम योर टीचर रचना एंड यू लव टू राइम, आई लव टू राइम, लेट्स राइम टुगेदर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। Why not, children? Sure. Today, I will teach you a rhyme. Humpty Dumpty. Are you ready? But before that, we will become Humpty Dumpty. And our rhyme is Humpty Dumpty. So, your Rachna ma'am will become Humpty Dumpty and you will also become Humpty Dumpty. Let's start. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty together again. So, we should never climb a wall and we should never sit on a wall. We can always tumble down. So, we'll sing it once again. For this, be ready. Yes, let's start. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty together again. Yes, children. And we should never sit on a wall. And we should never climb up a wall. Very good. You are good students. Children, let's revise it once again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Very good, children. We have learned the words wall, horses, men.
It's time for homework. Children, practice this rhyme with actions that we have learned today. And they are in your textbook, Humpty Dumpty, on page number 4. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty together again. So, promise me, you'll practice this rhyme with actions and also trace a standing line. Trace a standing line and complete a wall. All the best. Jamaat Duji, Visha Punjabi, Upvesha Karna Matra De Vak. Duji Jamaat De Pyare Pyare Bachyan Nu Meri Pyar Pari Sat Sri Akaal. Bachyo, Tusi Apni Punjabi Pustak Da Panna Number 5 Khol Lavo. Vak Padhan To Pehla, Asi Kuj Karna Matra De Shabdaan Di Dohrai Karange. Sa G, Saag. Cha, 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 cha. Ga, j, r, gajar. A, d, t, adat. Ya, t, ra, yatra. P, ta, ka, pataka. B, da, ना बदाना त मा शा तमाशा शाबाश बच्चों आओ हुन वाक पढ़ते हैं पहला वाक है आ काका आ काका आ अगला पढ़ते हैं पाठ पाठ याद याद कर पाठ याद कर अगला पढ़ो लाल लाल द स ता र दस्तार सजा लाल दस्तार सजा अगला पढ़ो जी फाटक फाटक पार पार कर फाटक पार कर अखीला वाक पढ़ दे हाँ का बजार बजार जा काका बजार जा बच्चों हुण घर दा काम तुसी पन्ना नंबर 5 ते दित्ते गए वाकां नूं पढ़ना है सच्ची गल बच्चों तुसी हुण तक 20 तक चीजां नूं गिनना अते पढ़ना सिख चुके हो ते अज मैं मान कार्ड दी सहायता नाल तुहानूं 20 तक अंकां ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬੱਚੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕੀ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅੰਕੀ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ तीन चार चार पांच पांच छे छे सात सात आठ आठ नौ
इस तो बाद बच्चे मेरे को एक जीरो दस दस, इस तो बाद बच्चे दस एक ग्यारह ग्यारह, दस दो बारह, दस तीन तेरह, दस चार चौदह, दस पांच पंद्रह, दस छे सोलह, दस सत सतारह, दस आठ अठारह, दस नौ की बन गया साढ़े को बच्चे उन्नी, इस तो बाद बच्चे साढ़े को दो जीरो भी, ते इधर है शब्दा विच भी। बच्चे तुसी एक तो भी तक संख्यावां नू शब्दा ते अंका विच लिखना है, ते इस दा वध तो वध अभ्यास करना है। थैंक यू। Hello children, as you know, we have already done English alphabet. Dear kids, today we will rearrange the letters in alphabetical order. For this, you need to know the ABC order of English alphabet very well. Dear kids, do you know what is alphabetical order? So kids, as you can see, all these letters are in proper sequence. Let me explain you with an example. Children, as you can see, these letters are not alphabetically arranged, or you can say not in proper sequence. Now, we will arrange these letters in alphabetical order. So, our first letter will be A. The next one, B. Find out with me what comes after B. Yes, C, then D, then E, and the last one is F. Dear kids, today we have set off few letters and we have to rearrange these letters in proper sequence. So let's start. Children, these are few letters which are not in proper sequence. Now, we are going to arrange them. Let's read these letters. G, F, D, E, H. To arrange these letters, just recall with me. A, B, C, D. Yes, D. So, our first letter will be D. Next one is E. Yes, it's present here. Let's move it here. Next is F. Let's put it here. Our next letter is G. Yes. And the last one is H. Now, our sequence is complete. Let's read it again. D, E, F, G, H. Children, again these letters are not in proper sequence. Let's recall again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Yes, our first letter is L. It's here. Let's put it here. Let's start again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Yes,
M is here, so our next letter is M. Next is N. Let's put it here. O. Yes. And the last letter is P. Yes. Now these letters are in proper sequence. Let's read them again. L, M, N, O, P. So kids, it's time for your homework. You have to revise English alphabet and do this exercise on your book. प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। कुछ दिन पहला आपां एक कविता पढ़ी सी, साड़ा देश। सुनी लगी सी ना? उस कविता विच कुछ नवे-नवे शब्द आए सन। आओ, आज आपां उन्हां शब्दां बारे होर विस्तार नाल जानिए। सामने दित्ते शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ो। पला की लिखा है ए? शाबाश, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तों की भाव है? भारत। ए साडे देश दा ही एक नाम है दोस्तो। साडे देश नूं हिंदुस्तान, भारत, इंडिया इन्हां नावां नाल जाणिया जांदा है। सामने दित्ती तस्वीर साडे देश भारत दे नक्शे दी तस्वीर है। पला ए की शब्द है? न्यारा। वेरी गुड, तुसी ठीक पढ़िया बच्चो। न्यारा शब्द दे अर्थ दस सकदा है भला कोई बच्चा? चलो मैं दसदा। न्यारा शब्द दे अर्थ हन वखरा। दित्ती हुई तस्वीर नूं ध्यान नाल देखो। साडे देश भारत विच सब कुछ ही न्यारा है। साडे राष्ट्रीय चिन्ह, साडा राष्ट्रीय फुल, साडे देश दीआं खूबसूरत इमारतां ते सुंदर सुंदर पहाड़। इस करके साडा देश होया ना सारी दुनिया नालों न्यारा। सामने दित्ते शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ो। शाबाश, उगले। उगले तों भला की भाव है? उगले तों भाव है पैदा करे। साडे देश हिंदुस्तान दी धरती बहुत सारियां फसलां, बहुत सारियां धातां अते खनिज पदार्थ पैदा करदी है। आओ हुण अगली तस्वीर वल चलदे हां। इस शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ो। सिखर। सिखर तों की भाव है बच्चो? टीसी। टीसी किसी भी पहाड़, इमारत जां दरख्त दा उपर वाला हिस्सा, इस नूं सिखर जां टीसी कहा जांदा है। इस शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ो। दातां। फिर तों बोलो, दातां। दातां तों की भाव है? दातां तों भाव है सौगातां। साडा देश भारत, इस दी मिट्टी, पहाड़, इत्थों दे जंगल, मैदान सानूं जो जो सौगातां दिंदे हन उस नूं दातां भी कहा जांदा है। तां समझ गए ना दातां तों की भाव होया? सौगातां। इस शब्द नूं ध्यान नाल पढ़ो। ये केड़ा शब्द है? निर्मल। शाबाश, निर्मल तों की भाव है शुद्ध। अजिहा पदार्थ जिस विच कोई मिलावट, कोई प्रदूषण ना होवे उस नूं निर्मल कहा जांदा है। ते साडे देश भारत दा जो पानी है बहुत ही निर्मल है, भाव बहुत ही शुद्ध है। हां जी बच्चो, ये केड़ा शब्द है? मेरे नाल बोलो, मेवे। हां जी फिर तों, मेवे। मेवे शब्द दा की अर्थ है? मेवे शब्द दा अर्थ है सुके फल। साडे देश विचों बहुत सारे सुके फल भाव मेवे प्राप्त हुंदे हन। आओ अगली तस्वीर वल वधीए। हां जी की लिखा है? तारा। शाबाश, तुसी तां बहुत होशियार हो गए। चलो हुण फिर इसदे अर्थ भी दस दिओ। चलो मैं दस दिना। तारा शब्द दा अर्थ है वहन। मेरे पिछे बोलो, वहन। जदों कोई नदी, कोई दरिया पहाड़ वालों मैदाना वालों वह के आउंदा है तां उस नूं उस दरिया दी तारा कहा जांदा है। हुण भुल देता नहीं? तारा वहन। शाबाश। प्यारे बच्चो, सत श्री अकाल सारे नूं। प्यारे बच्चों, अज आपां करंसी नोटां नाल अते बिनतारे नाल इकाई दहाई अते सैंकड़े दा ज्ञान प्राप्त करदे हां। तां आपां 1 रुपए दे कुछ नोट लैंदे हां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नोट
8, 9 अते 10 नोट। तो बच्चो ये 10 नोटां दे बदले 10 रुपए का एक नोट आउंदा है। एक एक रुपए के 10 नोटों के बदले 10 रुपए का एक नोट आउंदा है, यानी कि 10 इकाइयां दे बदले एक दहाई आउंदी है। तां हुण आपां 10 10 रुपए के कुछ नोट लेंदे हां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अते 10। 10 रुपए के 10 नोट इन्हां दे बदले 100 रुपए का एक नोट आउंदा है, यानी कि 10 रुपए के 10 नोटां का दूजा नाम दहाई है। 10 दहाइयां दे बदले एक सैकड़ा बनता है। 100 रुपए के नोट का दूजा नाम सैकड़ा है। तां हुण आपां गिणतारे नाल ज्ञान प्राप्त करदे हां। सब तो पहला बच्चे आपां इकाई वाले छड़ विच कुछ मोती पाउंदे हां। 1 2 3 4 5 6 7 8 अते 9 मोती। एक छड़ विच 9 मोती ही पै सकदे हन। जे 10वां मोती पाउणे आ तां पासे डिग जांदा है। इस लई इकाई दी छड़ दे 10 मोतियां दे बदले दहाई वाली छड़ विच एक मोती पावांगे। इसे तरह बच्चों दहाई वाली छड़ विच कुछ मोती पाउंदे हां। 1 2 3 4 5 छे सत अठ नौ, पर नौ मोती ही पैणगे, 10वां मोती नहीं आवेगा। तां इन्हां 10 मोतियां दे बदले सैकड़े वाली छड़ विच एक मोती पा देवांगे। तां बच्चो पहला अंक है इकाई, दूजा अंक है दहाई, तीजे अंक नूं कहीए असीं 100। याद करिए ते करदे रहो, याद रखना है। तो बच्चो एक सैकड़ा बराबर 10 दहाइयां दे हुंदा है अते बराबर 100 इकाइयां दे हुंदा है। तो बच्चो संख्या नूं इकाई दहाई विच तोड़ना सिखदे हां। अपने कोले इकाई वाली छड़ विच कुछ मोती हन। इकाई वाली छड़ विच 5 मोती हन अते दहाई वाली छड़ विच 3 मोती हन। तो बच्चो अपने कोल जो संख्या बन गई वह है 35। 35 विच बच्चो जो दहाई दे 3 मोती हन, 3 दहाइयां मिलके 30 बनाउंदे हन अते 5 इकाइयां नाल 5 बनदे हन, ते 30 5 35 बनदी है संख्या, जिस विच बच्चो 3 दहाइयां ते 5 इकाइयां हन। तां बच्चो यह होमवर्क तुसीं करना है, इकाइयां ते दहाइयां पता करनियां ते संख्या पता करनी है कि किन्नी है। Kids, do you know who is he? Very good, he is Ravi. Today we will read about Ravi. Let's start. I, A the sound hai, A, A, M, M. I am R, A, V. I, Ravi. Okay, I am Ravi. Okay, now we will skip A from here. ASCA दे विचों skip कर दी। Okay, what is it? Rav, Rav. So, गलत हो जाएगा, रवि नहीं बनेगा। Okay, Rav, it's not Rav, Rav. Understand? Good. Full stop is missing here, so we will put full stop at the last. It is very important. Okay, now it is complete sentence. I am Ravi. Ravi is saying, I am Ravi. Understand? Very good. Let's move on next sentence. Okay, second one. I am, I am a, G, H, T. What is it? G and H are silent, silent hain, chup hain. Okay, silent letters. It. Eight, E I G H T, but we have to write it E I G H T. Okay, eight, yes, eight. Here is eight. Okay, eight, E I G H T,
8 GHR silent words जिन्हां दी कोई sound नहीं है. Okay, understand? 8. But we have to learn E-I-G-H-T, 8. Good, next. Why is silent here? It's silent. Okay, what is it? Ear, very good, ear. S, ears. Okay, but we have to write it Y-E-A-R-S, ears, ears. Okay, what's it? Old, good. And yes, it's full stop at last. Very good. I am 8 years old. Ravi is saying, I am 8 years old. Understand? See how easy? Good. Move on, sentence third. Yes, I stir. Stir up. D, D-Y, D. Study. Okay? I study in, I-N, in. Club, C-L, club, club. Ah. Here, A sound is ah, not a. Cla, cla, C-L-A, cla, long, so double, S. Okay? S, S. Class. Because here is a long sound of S. S, good. Class. Yes? What is it? Th, T-H, th, r, thr, thr. Okay? It is thr. E, 3. Understand? Good. And we will put full stop at the last. So, it is I study in class 3. Understand? I study in class 3. Okay? Good. Ravi is saying, I study in class 3. Okay. Now, we will do sentence 4. Last sentence. I have. E is silent. Okay? Itthe vi e silent hai, chup hai. Have, her, have. But we will write with E. Likhna si E de naal hi hai. Okay, beta? Have. I have. A. Jo. Jo. Aint. I-N-T. Aint. Jo. Aint. Fa. Fa. Me. Li. Family. At last, full stop. Full stop is very important here. Okay? Yes, okay. One more thing. Can I exchange these? I, is it possible? No, it's not possible. First letter should be capital in sentence. Jadon vi assi sentence likhna hai, these are sentences. Okay? Then, first letter always should be capital. Yes, that's why we will put it here. Yes, okay. You have to repeat after me. Tusi mere piche repeat karna. Okay. I am Ravi. Good. I am 8 years old. Good. I study in class 3. Good. I have a joint family. Very good. I am 8 years old. I study in class 3. And here is Ravi. Okay. Now you have to read these sentences by yourself. Okay. Good. See you soon. Bye-bye. प्यारे विद्यार्थियों, आज आपां नानके अते दादके परिवार बारे जानकारी प्राप्त करांगे। प्यारे बच्चों, उस तो पहला एक छोटी सी लोक बोली। इन्ना नानकियां नू कटो दला लोंबार, इन्ना दादकियां नू कोटने आंदी मार। ता इस तरह दिया बहुत सारियां लोक बोलियां, लोक गीत तुसी नानके ते दादके परिवार बारे सुने होंगे। ता आओ अज आपां जानदे हाँ कि नानका परिवार की हुंदा है अते दादका परिवार की हुंदा है। सब तो पहला असी गल करांगे दादका परिवार, जड़ी की दादे दा परिवार जिसका संबंध साडे पिता जी नाल हुंदा है। साडे पिता जी दे सारे रिश्ते दादके परिवार नाल संबंधित हुंदे हन। दादके परिवार दा मुखी साडे
दादा जी होंगे हैं। दादा जी पिता जी दे पिता जी दादा जी होंगे हैं। ते दादी जी पिता जी दे माता जी दादी जी होंगे हैं। ताया जी पिता जी दे वड्डे भरा ताया जी होंगे हैं। ताई जी ताया जी दी धर्म पत्री होंगे हैं। तो प्यारे बच्चो दादके परिवार का संबंध साढ़े पिता जी नाल हो रिश्ते भी दादके परिवार विच शामिल होंगे हैं। साढ़े पिता जी दे छोटे भरा नूं असी चाचा जी आखते हाँ। चाचा जी पिता जी दे छोटे भरा चाचा जी होंगे हैं। तो चाची जी चाचा जी दी धर्म पत्नी चाची जी होंगे हैं। तो इस तरह भुआ जी एक होर बहुत प्यारा ते निका रिश्ता है पिता जी दी भैन भुआ जी होंगे हैं का परिवार भाव नाना जी का परिवार। नाना जी माता जी दे पिता जी नाना जी होंगे हैं। नानी जी माता जी दे माता जी नानी जी होंगे हैं। ते असी छुट्टियां दे विच नानके जांदे हाँ अपने नाना नानी कोल। इन्हां दा संबंध साढ़े माता जी नाल हुंदा है। साढ़े माता जी दे साक संबंधी नानके परिवार दा हिस्सा हुंदे हन। साढ़े मम्मी दे मम्मी पापा उन्हां दे भैन भरा सारे नानके परिवार दे विच शामिल हुंदे हन। जिवें कि मामा जी दे माता जी दे भरा मामा जी लगदे हन। मामा जी दी धर्म पत्नी नूं असी मामी जी आखदे हाँ। मासी जी साढ़े माता जी दी भैन साढ़े मासी जी लगदे हन। मासड़ जी साढ़ी मासी जी दे धर्म पति हुंदे हन। ते मासी जी दे धर्म पति मासड़ जी हुंदे हन। उन्हां नूं असी मासड़ जी आखदे हाँ। तो बच्चों नानके परिवार दे विच जिन्हें भी रिश्ते होंगे उन्हों का संबंध साढ़े माता जी नाल हुंदा है। माता जी का भरा मामा जी मामा जी की धर्म पत्नी मामी जी माता जी की भैन मासी अते मासी दे पति मासड़ जी। बहुत सौखे ढंग नाल तुसी अज नानके ते दादके परिवार बारे पढ़े। प्यारे बच्चों अपने माता पिता दादा दादी जी तो आज तुसी अपने नानके अते दादके परिवार बारे होर जानकारी प्राप्त करनी है। प्यारे विद्यार्थियों असी स्कूल जाके सब तो पहला की करदे हाँ। हाँ जी असी स्कूल जाके सब तो पहला सवेर दी सभा करदे हाँ। सवेर दी सभा विच भी सब तो पहला असी प्रार्थना करदे हाँ, जिस विच असी रब अगे अरदास करदे हाँ कि साडा अज दा दिन चंगा निकले, सानू परमात्मा विद्या दा दान देवे अते सब दा भला होवे। तुसी कविता प्रार्थना चंगी तरह पढ़ चुके हो। अज असी इस कविता दियां खाली थावां करांगे। तां आओ फिर शुरू करदे हां। पाठ पहला ढुकवें शब्द चुन के खाली थावां भरो। बच्चियो यह कुछ शब्द हन, असी इन्हां शब्दां नूं सही खाली थां विच भरना है। शब्द हन कदर, रोसा, मिठा, चार, काम। तो साड़ी पहली खाली थां है सानू सब नाल खाली थां बोलना चाहिदा है। प्यारे बच्चों सानू किसे नाल भी माड़ा नहीं बोलना चाहिदा, किसे नाल लड़ना नहीं चाहिदा, वड्डियां दा सत्कार करना चाहिदा है अते सब नाल मिठा बोलना चाहिदा है। तो असी इस खाली थां विच भरांगे मिठा। सानू सब नाल मिठा बोलना चाहिदा है। दूसरी खाली थां है सानू समय दी खाली थां करनी चाहिदी है। बच्चो समा बहुत कीमती हुंदा है, सानू अपना हर काम ठीक समय ते करना चाहिदा है। ठीक समय ते उठना, ठीक समय ते खेडना अते ठीक समय ते पढ़ना चाहिदा है, भाव सानू समय दी कदर करनी चाहिदी है। तो इस खाली थां विच असी भरांगे कदर। सानू समय दी कदर करनी चाहिदी है। तीसरी खाली थां है कुल
खाली थां दिशावां हुंदियां हन। बच्चो हुण इह खाली थां तुसी भरोगे तां दसो कुल किन्नियां दिशावां हुंदियां हन? मैडम जी चार दिशावां हुंदियां हन। शाबाश, कुल चार दिशावां हुंदियां हन। असी इस खाली थां विच भरांगे चार, कुल चार दिशावां हुंदियां हन। अगली खाली थां है, सानू एक दूजे दे खाली थां आना चाहिदा है। प्यारे बच्चों, सानू सब नू एक दूजे दी मदद करनी चाहिदी है, एक दूजे दे काम आना चाहिदा है। तो इस खाली थां विच असी भरांगे काम, सानू एक दूजे दे काम आना चाहिदा है। पंजवीं खाली थां है, मन विच एक दूजे नाल खाली थां ना रखो। प्यारे बच्चों, सानू सब नाल चंगा विहार करना चाहिदा है। अपने मना विच वड्डियां लई सत्कार अते छोटियां लई प्यार रखना चाहिदा है। अपने मन विच गुस्सा नहीं रखना चाहिदा। इसलिए इस खाली थां विच असी भरांगे रोसा। मन विच एक दूजे नाल रोसा ना रखो। हुण असी इन्हां खाली थावां नूं दोहरांदे हां। सानू सब नाल मिठा बोलना चाहिदा है। दूसरी खाली थां है, सानू समय दी कदर करनी चाहिदी है। तीसरी खाली थां है, कुल चार दिशावां हुंदियां हन। चौथी, सानू एक दूजे दे काम आना चाहिदा है। पंजवीं, मन विच एक दूजे नाल रोसा ना रखो। घर दे काम विच बच्चो तुसी इन्हां खाली थावां नूं ही सुंदर लिखाई विच अपनी कापी ते करना है। उस काम नूं अपने अध्यापक जी तों चेक भी करवाउणा है। प्यारे बच्चो, हुण तक तुसी संख्यावां नूं पढ़ना, लिखना, करंसी नोटां अते मानकार्ड नाल इकाई, दहाई, सैकड़े बारे सिख लिया है। इन्हां संख्यावां विच ही इन्हां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप लुकिया हुंदा है। आओ अज आपां संख्यावां दे अंकां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप पता करना सीखदे हां। तुसी बहुत सारियां वस्तुआं दे मुल देखदे हो, तां मेरे कोल इक वस्तु है जिसका मुल दिता गया है 125 रुपए। 125 रुपए नूं आपां किस तरह देख सकते हैं? 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125। तो 125 दे विच आपां की देखते हैं कि 100 दा एक नोट, 10 दे दो नोट, 1 रुपए दे 5 नोट लाए गए। 125 संख्या नूं मान कार्ड उपर देखते हाँ। 100, 125, 125। बच्चों, 125 दे विच देखिए, इकाई दे स्थान उपर अपने कोल अंक है 5। इकाई दे स्थान उपर 5 अंक है, तां इकाई ते आपां 5 दा अंक रख दिता। ते इत्थे वी देखो बच्चों, एक एक दे 5 नोट ने, तां इसदा मतलब 5 इकाइयां। हुण आपां देखिए दहाई दे स्थान ते अंक 2 है, तां दहाई दे स्थान ते आपां 2 दा अंक रख दिता। आपां इत्थे देखदे हां 10-10 दे 2 नोट, मतलब 2 दहाइयां। उस तों बाद अपने कोल सैकड़े दे स्थान दे उपर 1 अंक है, तां आपां सैकड़े वाले स्थान ते 1 रख दिता। इत्थे आपां वेखदे हां कि 100 दा 1 नोट, इस तरह तो 1 सैकड़ा। हां जी बच्चों, 5 इकाइयां, 2 दहाइयां, 1 सैकड़ा। हुण आपां 125 दे विच जिहड़े अंक हन उहनां दा स्थानक मुल पता करांगे। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ 5, ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5। 5, 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 5।
हुण अपने को दूसरा अंक है दहाई का, दो दो अंक आपां दहाई वाले स्थान ते मान कार्ड ते वेखदे आ, अपने कोल आ गया वी, ते नोटां दा मुल इत्थे 20 रुपए, दो दो ते अंक जिहड़ा है उसका मुल आ गया अपने कोल 20। उस तों बाद अपने कोल सैकड़े दे स्थान ते एक है, आपां देखदे आ मान कार्ड दे उपर सैकड़े वाले स्थान दी की वैल्यू है, 100 अपने कोल आ गया, सैकड़े स्थान ते एक तां 100 रुपए उसका मुल भी 100 हो गया, ते अपने कोल मान कार्ड का मुल भी 100 हो गया। इस तरह बच्चों आपां देखिया कि संख्या दे अंकां विच ही उसका स्थानक मुल छुपया हुआ। आओ हुण आपां संख्या 125 दे विस्तृत रूप बारे जानते हैं। अपने कोल संख्या 125, जो 125 संख्या है इसनूं आपां देखते हैं विस्तृत रूप, देखते तो अपने कोल बनता है 100 वी पांच पच्ची। हाँ जी बच्चा, 125 संख्या का विस्तृत रूप 100 वी पांच पच्ची। आप सीखा कि जिहड़ी संख्या का विस्तृत रूप है वह भी उस दे विच छुपया होता है। हुण आपां अगे देखते हैं कि जेकर अपने कोल किसी संख्या का विस्तृत रूप दिता हो संख्या किस तरह बनेगी। जे किसी संख्या का विस्तृत रूप तो अपने को दिता है 100 वी पांच पच्ची, तो जो आप इसको मिलावांगे तो अपने को संख्या बन जाएगी 125। 100 वी पांच 125। तां इस तरह बच्चों आप हुण संख्यावां दे अंकां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप सीख लिया है। तुसीं भी देखते हो तुहाडे घर विच बहुत सारियां वस्तुआं हन जिन्हां दे उपर उन्हां दा मुल दित्ता हुंदा है, तुसीं भी इन्हां वस्तुआं नूं दे मुल नूं देखदे होए इन्हां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप पता करना है। धन्नवाद। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स लर्न इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइट वर्ड्स लेवल 2। चिल्ड्रन, साइट वर्ड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन एनी टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग साइट वर्ड्स विल हेल्प टू इम्प्रूव द रीडिंग स्किल्स। सो लेट्स रीड साइट वर्ड्स। चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी लर्नड सम साइट वर्ड्स ऑफ लेवल 1। टुडे we will read some more sight words. Listen carefully and repeat after me. Let's start. Come, your, what, why, when, where, who, some, now, how, new, much, many, only, were, very, ask, these, there, there. Children, have you noticed both these words sound the same? Both are having same pronunciation, there, there, although the spellings are different, T-H-E-R-E, there, and T-H-E-I-R, there, 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 both are there. So, read these words carefully. Next one is here, good, no. Here, in this word, first letter K and last letter W, both are silent. They are not giving their sound. And we will read the word as no. And during writing, the spellings will be K-N-O-W. No. Next is find. Keep. May, last, after, say, tell. Now,
Let's read again. Come, your, what, why, when, where, who, some, now, how, new, much, many, only, were, very, ask, these, there, there, here, good, no, find, keep, may, last, after, say, tell. Children, try to read the sight words correctly. Try on your own. Keep on learning. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ 1 ਬੇਟੀ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੇ ਘਰ ਅਨੂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਪੜੇ ਸਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੱਚਿਓ, ਦੀਪੂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਦੀਪੂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪੂ ਦੀ ਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਮਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੁਮਨ ਆ ਕੇ ਅਨੂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਅਨੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਨੂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਆਓ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਨੂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀਪੂ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਪੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੀਪੂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪੂ ਇਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚਿਓ,
तुहाडे दोस्तां विच भी चंगे गुण होने चाहिदे हन। घर दा काम बच्चो तुहाडा सब तो चंगा दोस्त कौन है उसके चंगे गुणा बारे अपने अपने घरदिया नाल गलबात करो। मेनू उम्मीद है कि तुहानू आनंद आया होवेगा। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम नया क्या सीखेंगे, तो कुछ नया सीखने से पहले आप सब कुछ आवाजें सुनो। तो बच्चों ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाजें आ रही हैं चिड़ियाघर से। तो चलो हम भी चिड़ियाघर की सैर करते हैं। जीव जंतु का अनोखा संसार चिड़ियाघर में देखा कमाल। देखो तो ये नन्ही सी चिड़िया कैसे पंख फैलाकर मजे से उड़ रही है। और ये देखो बंदर मामा तो बड़े मजे से उड़ती हुई चिड़िया को देख रहे हैं। डाल पे बैठा ये तोता कितना प्यारा लग रहा है ना? अरे अरे ये क्या, जंगल का राजा शेर पिंजरे में बंद है। और ये देखो हाथी राजा बहुत बड़े सूंड हिलाकर कहां चले। अरे अरे ये तो मगरमच्छ है, इसके दांत कितने नुकीले हैं, ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। और ये लंबी टांगों वाले जीव को तो देखो, इसे बगुला कहते हैं, ये भी पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। और ये बत्तख है, ये पानी में तैर रही है। और इस नन्ही सी छोटी सी मछली को तो देखो, ये सिर्फ पानी में रह सकती है। तो बच्चों आज आपने सैर की एक चिड़ियाघर की, जहाँ पे सारे जीव जंतु मिलजुल के रहते हैं। तो चलो जल्दी से अब मुझे बताओ कि पिंजरे में कौन बंद था? शेर या हाथी? बिल्कुल ठीक, पिंजरे में शेर बंद था। अब बताओ सबसे बड़ा जीव कौन सा है, हाथी या मगरमच्छ? सोचो सोचो, सबसे बड़ा जीव है हाथी। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों आज हमने सैर की चिड़ियाघर की, तो आज आपका गृह कार्य है जीव जंतुओं के नाम याद करना। पंचमी जमात के प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों साडे प्यारे देश का नाम हिंदुस्तान है, जिसनों की असली भारत भी कहते हाँ, ते सानू सारे नो हिंदुस्तान वासी होने ते माण है। प्यारे बच्चों साडे प्यारे देश हिंदुस्तान दी देसा परदेसा विच उच्ची शान है। असी कविता मेरा हिंदुस्तान विच अपने देश बारे काफी कुछ पढ़ लिया है। हुण तक प्यारे बच्चों तुसी इस कविता नू बहुत ही वधिया ढंग नाल गा के पढ़िया है, अते इस कविता विच आए आखे शब्दां दे अर्थ भी समझ रहे हैं। अज आपां इस पाठ दा अभ्यास नंबर ऊड़ा जुबानी अभ्यास अते अभ्यास ऐड़ा हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर दिओ हल करांगे। ते आओ फिर करिए हल। हां जी बेटा, साडा प्रश्न ऊड़ा जुबानी अभ्यास अते प्रश्न ऐड़ा हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर लिखो है। सब तो पहला आपां जुबानी अभ्यास दे प्रश्न हल करांगे। तुसी इन्हां प्रश्नां दे उत्तर बहुत ही ध्यान नाल सुनने हन। साडा प्रश्न नंबर एक है, देसा परदेसा विच हिंदुस्तान की शान किहो जिही है। असी पाठ विच पढ़िया है देसा परदेसा विच हिंदुस्तान की उच्ची शान है। प्रश्न नंबर दो, हिंदुस्तान के चश्मों विचों फुटदा पानी किहो जिहा लगता है? बिल्कुल ठीक, हिंदुस्तान के चश्मों विचों फुटदा पानी चांदी रंगा लगता है। प्रश्न नंबर तीन, सानू हर नवी सवेर नू की मुड़ना चाहिदा है? ते आपां पाठ विच पढ़िया है सानू हर नवी सवेर नू फुल्लां जही मुस्कान वंडनी चाहिदी है। प्रश्न नंबर चार, कविता नू लै विच गाओ। प्यारे बच्चों तुसी इस कविता नू बहुत ही वधिया ढंग नाल लै विच पढ़िया है, ते हुण तुसी सब बच्चियां ने इस कविता नू लै विच गाउण दा अभ्यास करना है। प्रश्न ऐड़ा हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों हुण प्रश्नों के उत्तर आपां कापियां उपर लिखने हन,
इस लई तुसी अपना कापियां अते पेन अपने कोल रखो अते जिवें जिवें मैं तुहानू प्रश्नां दे उत्तर दसांगी तुसी उत्तर अपनी कापियां उपर लिखते जाना है। प्रश्न एक, असी हिंदुस्तान दी मिट्टी नू सीस क्यों निवाउंदे हाँ? हाँ जी बेटा, याद करो तुसी इस बारे पाठ विच की पढ़िया है। बिल्कुल ठीक, अमर ने बिल्कुल ठीक दस्या है। तो आओ फिर हुण आपां इस प्रश्न का उत्तर अपनियां कापियां उपर लिखते हाँ। हिंदुस्तान दी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इस मिट्टी विच सारी दुनिया का ढिड भरन लई अनाज उगाया जाता है। असी मिट्टी नू माँ कह के सीस निवाउंदे हाँ। प्यारे बच्चो, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक बार फिर दोहराउंदी हाँ। हिंदुस्तान दी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इस मिट्टी विच सारी दुनिया का ढिड भरन लई अनाज उगाया जाता है। असी मिट्टी नू माँ कह के सीस निवाउंदे हाँ। प्रश्न नंबर दो, सानू किस प्रकार की कमाई करनी चाहिदी है? हाँ जी बेटा, सोचो तुसी पाठ विच इस बारे की पढ़िया सी। हाँ जी बिल्कुल ठीक, दिलराज ने बिल्कुल ठीक दस्या है। तो आओ फिर आपां इस उत्तर नू हुण बहुत सुंदर लिखाई विच कापियां उपर लिखते हाँ। सानू हमेशा हक सच की कमाई करनी चाहिदी है, भाव कि किसी का हक नहीं खोना चाहिदा। हमेशा झूठ अते लालच तो दूर रहना चाहिदा है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक बार फिर तो दोहराउंदी हाँ। सानू हमेशा हक सच की कमाई करनी चाहिदी है, भाव के किसी का हक नहीं खोना चाहिदा। हमेशा झूठ अते लालच तो दूर रहना चाहिदा है। घर के काम विच तुसी हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर अपने कापियों पर बहुत ही सुंदर लिखाई विच लिखने हन अते याद भी करने हन। बच्चे तुसी संख्यावां नू पढ़ना लिखना करंसी नोटा मान कार्ड नाल उन्हां दे अंकां दा इकाई दहाई सैकड़ा हजार का स्थान पता करना सीख लिया है। इन्हां संख्यावां दे विच ही इन्हां दे अंकां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप लुकिया हुंदा है। अज आपां इन्हां संख्यावां दे अंकां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप पता करना सीखांगे। तुसीं बहुत सारियां वस्तुआं दे मुल नूं पढ़ना सीख लिया है। मेरे कोल इक साइकिल है जिसका मुल 2125 रुपए है। आओ 2125 नूं करंसी नोटा नाल देखदे हाँ। 1000, 2000, 2100, 2110, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125। तां बच्चों देखो, अपने कोल 2000 दे दो नोट, 100 दा एक नोट, 10 दे दो नोट, ते एक एक दे पांच नोट आए हैं। हुण 2125 नूं आपां मान कार्ड उपर देखांगे। 2125 इस दे विच देखो इकाई वाले स्थान ते अंक है पांच। अपने कोल इकाई दे स्थान ते आपां पांच दा अंक रखांगे, पांच ते पांच नोट। दहाई वाले स्थान ते दो दा अंक है, तां दहाई दे स्थान ते आपां दो दा अंक रखांगे, दो दो नोट, दो दहाइयां। सैकड़े वाले स्थान ते अपने कोल एक है, उत्थे आपां एक रखांगे, तां अपने कोल सौ दा एक नोट है, एक सैकड़ा। हजार ते अपने कोल स्थान, हजार दे स्थान ते दो है, तां आपां दो रखांगे, तां अपने कोल दो, हजार दे स्थान ते दो नोट। हुण आपां 2125 दे विच इन्हां दे अंकां दा स्थानक मुल पता करांगे। तां पहला अपने कोल इकाई दे स्थान ते है पांच, तां मान कार्ड ते आपां देखांगे अपने कोल आ जांदा पांच। इकाई दा अंक पांच, नोटां दा मुल पांच, ते मान कार्ड पांच। इस दा मतलब पांच दा स्थानक मुल अपने कोल आ गया पांच। दहाई दे स्थान ते अपने कोल अंक दो है, आपां देखदे हां दहाई दे स्थान ते अंक दो, नोटां दा मुल 20 रुपए, अते मान कार्ड भी अपने कोल 20 दा आ गया। इसका मतलब दो दा स्थानक मुल 20 हो गया। उस तो अगे आपां सैकड़े ते देखदे हां, सैकड़े ते अपने कोल एक, एक सौ रुपए, एक सौ मान कार्ड दा मुल। इसका मतलब सैकड़े वाले स्थान एक दा स्थानक मुल हो गया एक सौ,
उस तो अगे अपने को हजार से आप देखते हैं कि अपने को हजार से अंक दो अपने को नोटा का मुल 2000 मान कार्ड के उपर भी अपने को 2000 हजार वाले दो का स्थान मुल अपने को 2000 आ गया। इस तरह बच्चे हम आप विस्तृत रूप देखा संख्या का तो मेरे को संख्या जी है वह है 2125। जो आप इस खोल के लिखते हाँ तो अपने को आ जाता है 2125। जो आप इस खोल के लिखांगे 2125 संख्या का बनेगा 2125। तो यह अपने को संख्या का विस्तृत रूप आ गया। जेकर बच्चे अपने को संख्या ना दिती हो बल्कि विस्तृत रूप दिता हो फिर आप संख्या किस तरह बनावांगे तो अपने को दिता है 2125। अपने को दिता 2125। जो आप इस इकट्ठा कर देंगे तो यह अपने को बन जाएगा 2125। इस तरह बच्चों तुम देखा कि किसी संख्या के उसके अंकों का स्थान मुल विस्तृत रूप लुकया होता है। बच्चों इस तरह तुम अपने घर में मौजूद वस्तुओं का मुल पता करते हुए उन्होंने स्थानक मुल विस्तृत रूप पता करना है। धन्यवाद। हेलो किड्स, लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ लर्निंग। लेट्स लर्न इंग्लिश। Today my topic is from class 5, lesson number 1, the elves and the shoemaker. Today we are going to learn 8 new words from our lesson number 1. These are 8 new words. Let's learn one by one. First word, shoemaker. First word is shoemaker. Shoemaker means a person who makes shoes. Shoemaker means a person who makes shoes. In this picture, shoemaker is making shoes. Next word is elves. In our lesson, there are two elves. These are two elves in our lesson. The elves and the shoemaker. And elves means a small creature who has magic powers. Elves means a small creature who has magic power. Next word is pair. Meaning of pair is a set of two things. Our word is pair and meaning of pair is a set of two things. Look at the pictures. In these picture, first picture, there are two socks. Pair of socks. Next, gloves. Pair of gloves. Last one, pair of shoes. Next is masterpiece. Next word is masterpiece. Masterpiece means highest quality work. Masterpiece means highest quality works or a piece of work that is above comparison. Okay, means a work done perfectly, that may be painting, artwork, or something else. The work that has no comparison and perfectly done, that is called masterpiece. Okay, next word is skillfully. Word is skillfully. Skillfully means having the knowledge to do some work well. Skillfully means having the knowledge to do some work well or a way to finish a work systematically. Okay? Systematically work done is called skillfully. Skillfully means having the knowledge to do some work well. Next word is customer. Customer means a person who buys things. That is called customer. When we buy something from shop,
from roadside vendor or a hawker, then we are customers. Okay? So customer is a person who buys things. Customer is a person who buys things. Next word is usual. Next word is usual. Usual means normal or often. Usual means normal or often. And this is a picture of hammer. Next word is hammer. Hammer means a tool. Shoemaker need a hammer to make shoes. Okay, so hammer is a tool. Hammer is a tool. So kids, today we learn 8 new words. Try to read and learn these 8 new words. ਰਾਜੂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਲਵੀਂ। ਰਾਜੂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬੈਠ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਰੇ ਛਮਾਹੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਵਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਘਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਠੀਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ?
ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਅਲੱਗ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜੀਬ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਜੋ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਟਾਣੂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਹਰਮਨ ਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪੀਣੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਟਾਣੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਹੁੰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਕੀਟਾਣੂ ਅਕਸਰ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਹੱਥ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ। ਖੰਘਣ ਛਿੱਕਣ ਸਮੇਂ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 2, ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ। ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਛੂਹਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਟਾਣੂ
मुक्त हाँ। हाँ बच्चो, सारिया ही गल्ला अगे सही का निशान लग्या सी, इस करके मन करन नू ए सर्टिफिकेट मिल गया। आओ आपा एक क्रिया करते हाँ। मेरे कोल एक प्लेट दे विच टैलकम पाउडर है बच्चो, मैं अपना हाथ इस सतह दे उपर रखिया तां मेरे हाथ उपर टैलकम पाउडर आ गया। इस हाथ नू जदों मैं दूजे हाथ नाल मिलाया तां कुछ पाउडर दूजे हाथ दे भी चला गया। जो ठीक इसे तरह ही कीटाणु भी फैलदे हन। पाउडर क्योंकि सानू विखाई दिंदा है पर कीटाणु सूखम जीव हुंदे हन ते सानू नजर नहीं आउंदे। बच्चो इस समस्या दे विच नाल खेडण तों बाद हाथ ना धोणा।